वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से देश को उभारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, आज देश की माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के किसानों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले उन 4 करोड़ ठेला रेड़ी कोमचा पटरी व्यवसायियों के साथ ही देश के उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों और युवाओं के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। मैं इस पैकेज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। यह एक बड़ा आर्थिक पैकेज है और खास तौर पर उस वर्ग के लिए जिसको इस समय इस कोरोना संकट में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। खास तौर पर अगर किसानों को देखेंगे तो देश के अंदर लगभग 14 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इस कोरोना संकट के दौरान 2,000 रुपये पर मंथ हर किसान को अतिरिक्त सहायता देने की कार्रवाई पहले चरण में हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 2,34,00,000 किसान को दो दो बार ये सहायता प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही देश के जिन किसानों ने बैंकों से लोन लिया था, ये लोन की राशि 4,22,000 रुपए की बनती है। इसमें जो एक छूट की व्यवस्था समय के अनुरूप देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है, खासतौर पर मोराटोरियम में व्यवस्था दी जा रही है, यह उन करोड़ों किसानों को राहत देगा जो किसान इस समय इसकी आवश्यकता को महसूस कर रहा है। फेरी नीति से आच्छादित होने वाला ठेला खोमचा रेहड़ी पटरी व्यवसायी जिस पे मार पड़ी है, ये डेली कमाने वाला वर्ग है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले ही इन सब को आच्छादित करके खाद्यान्न के साथ साथ इन्हें भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की और मैं आभारी हूँ कि आज इन सब को इस पैकेज के दायरे में ला करके इन्हें 10,000 रुपये तक का लोन देने की, आसान किस्तों में लोन देने की व्यवस्था इस पैकेज में देने का कार्य हुआ है। देश का लगभग 4 करोड़ यह ठेला और पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित होगा और कोरोना संकट के उभरने के साथ ही उसे अपना व्यवसाय तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों के बारे में जो कार्य योजना आज घोषित हुई है, एक बहुत बड़ा कार्य है ये। और ख़ास तौर पर इस समय हम लोगों ने देखा कि प्रवासी श्रमिक जब लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंदी हुई है, तो उस दौरान भी जिस प्रकार का कार्य देखने को, जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिला कि बड़ी संख्या में एक राज्य से अपने घर के लिए श्रमिकों ने जाना प्रारंभ किया, उन स्थितियों में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इन सभी के लिए दो प्रकार की सुविधाएं, एक इन सभी की सुरक्षित खान पान रहने की व्यवस्था और सुरक्षित यात्रा के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन तो लगाई ही है, लेकिन साथ साथ उनके खाने रहने के लिए भी राज्यों के साथ आपदा राहत निधि से सहयोग देने का जो प्रावधान किया है
वो तो स्वागत योग्य था ही। आगामी 2 महीनों के लिए इन सभी श्रमिकों को 2 माह तक 5 किलो गेहूं और चावल तथा 1 किलो दाल देने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। इसको भी हम पहले ही यहाँ पर हम लोगों ने खाद्यान्न के पैकेट राशन किट के रूप में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। अब तक 11 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक आ चुका है। मेरा अनुमान है कि आगामी 1 सप्ताह में ये बढ़कर के 20 लाख से ऊपर जाएगी। इन सभी प्रवासी श्रमिकों को भी एक नई राहत इससे मिलेगी। इसके अलावा इन प्रवासी श्रमिकों के साथ ही मिडिल क्लास के उन लोगों को, लोअर मिडिल क्लास के उन लोगों को जिनके पास अपनी आवासीय सुविधा नहीं थी, उन लोगों के लिए भी एक जो व्यवस्था तय की जा रही है कि इनको सस्ते में किराए पे मकान मिल सके या इनके पास अपने मकान हो सकें, प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर जो एक व्यवस्था इसमें की जा रही है, मुझे लगता है कि देश के करोड़ों प्रवासी कामगार और श्रमिक इससे लाभान्वित होगा। साथ साथ युवाओं के लिए भी एक जो बड़ी घोषणा हुई है, शिशु किशोर और तरुण मुद्रा योजना में लोन की व्यवस्था, एक बड़ा पैकेज इसमें युवाओं के लिए नया स्टार्टअप स्थापित करने और नए सिरे से आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत निर्माण की दिशा में, स्वदेशी को प्रमोट करने की दिशा में, अपनी ही प्रतिभा और अपनी ऊर्जा के माध्यम से हम भारत को पुनः वह गौरव दिलाएंगे जिसके लिए भारत जाना जाता था। उसके लिए जो युवाओं के लिए भी व्यवस्था इसमें पैकेज में की गई है, मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि कल एमएसएमई सेक्टर और पावर सेक्टर के लिए जिस प्रकार की घोषणा हुई और आज ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 56,000 से अधिक लोगों को, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को 2,002 करोड़ रुपये का लोन वितरण किया, ऐसे ही ये जो घोषणा आज किसानों के लिए, फेरी नीति से आच्छादित होने वाले पटरी व्यवसायियों के लिए, इसके साथ ही जो हमारे यूथ हैं उन लोगों के लिए और प्रवासी श्रमिकों और मिडिल लोअर मिडिल क्लास के लिए जो घोषणा हुई है, ये स्वागत योग्य है। निश्चित ही कोरोना संकट से उभरने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस सेक्टर का अपना एक योगदान है। नींव के पत्थर हैं और इन नींव के पत्थरों को मजबूत करके हम लोग निश्चित ही एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत निर्माण में इन सब के योगदान से आगे बढ़ पाएंगे। मैं इस बेहतर पैकेज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।